हेलो एवरीवन, तो आज मैं एक साइंस फिक्शन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो काफ़ी ही मज़ेदार होने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। मूवी के स्टार्ट में हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिसके सारे पैसेंजर्स 90 साल के लिए सोए हुए हैं। इस स्पेसशिप का मिशन था कि इस पूरे टीम को अर्थ जैसे एक दूसरे प्लेनेट पर पहुँचाए, और इस मिशन को पूरा करने के लिए 90 साल का समय और लगने वाला था। और पैसेंजर्स को मरना पड़े इसलिए उन्हें एक खास तरह के मशीन में सुलाया गया था जिसका नाम स्लीपिंग चैम्बर था, जिसमें सभी इंसान सोए हुए थे। इस मशीन का ये काम था कि यह इंसानों के जिस्म को 90 साल तक महफूज रखेगा, और इंसानों की नींद तभी खुलेगी जब वो दूसरे प्लेनेट में पहुंच जाएंगे। वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी कई सारे एस्टेराइड शिप से टकराने लगते हैं। हालांकि शिप में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन एक पैसेंजर्स का स्लीपिंग चैम्बर खुल जाता है और उसकी नींद टूट जाती है। स्पेसशिप 30 साल का सफ़र पूरा कर चुका था, इसीलिए वो अपनी 30 साल की नींद पूरी करके जाग जाता है। इस पैसेंजर का नाम जिम था। ये उठकर आगे बढ़ता है, लेकिन पहले तो इसे चक्कर आता है, लेकिन कुछ देर बाद ये नॉर्मल हो जाता है। फिर जिम उस हॉल में जाता है जहाँ सारे पैसेंजर्स सफ़र ख़त्म होने के बाद मीटिंग करने वाले थे, और वो वहाँ देखता है कि उसके अलावा वहाँ कोई नहीं है। वो पूरे शिप में लोगों को ढूंढने लगता है और वहाँ कोई नहीं होता है, इसीलिए वो कंट्रोल रूम में जाता है। लेकिन कंट्रोल रूम लॉक होता है, क्योंकि कंट्रोल रूम का लॉक शिप कंट्रोल रूम के मेंबर के आईडी से ही खुलेगा। फिर जिम सिस्टम से जानकारी लेने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि इस शिप को दूसरे प्लेनेट पर पहुंचने के लिए 90 साल का समय और लगने वाला था। लेकिन जिम 90 साल पहले ही जाग चुका है, इसलिए वो बहुत उदास हो जाता है। फिर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन उसे एक कोने में कोई नज़र आता है। फिर वो वहां जाता है तो उसे पता चलता है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। फिर जिम स्लीपिंग चैम्बर में जाने की कोशिश करता है, पर वो नाकाम हो जाता है। जिम दोबारा से कंट्रोल रूम में जाने की कोशिश करता है। इस बार वो औजारों से उसके गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो रूम लॉक होता है, और ये स्पेसशिप बहुत ही एडवांस होता है, इसीलिए वो रूम नहीं खुल रहा होता है। फिर जिम वहाँ से जाता है, फिर वो देखता है कि सिस्टम में काफ़ी ख़राबी आ रही है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता है। फिर वो उसी रोबोट के पास जाके बैठ जाता है। फिर जिम उस रोबोट से कहता है कि मैं इस शिप पर फंस चुका हूँ और मेरी मदद के लिए यहाँ कोई नहीं आने वाला है, और मैं अकेला ही यहाँ मर जाऊँगा। फिर रोबोट कहता है कि इंसानों की बस यही खामियाँ हैं, इंसानों को वो चीज़ चाहिए जो उनके पास नहीं है, लेकिन वो नहीं जानते कि उनके पास जो है उन्हीं में खुश रह सकते हैं वो। ये बात जिम पर कहीं ना कहीं असर करती है, इसीलिए वो जिम स्पेसशिप में मौजूद सभी चीज़ों से फ़ायदा उठाने लगता है और वहाँ बहुत इंजॉय करता है। उस स्पेसशिप में खेलने और डांस करने के लिए बहुत कुछ चीज़ें थी, इसीलिए वो उन सब से इंजॉय करने लगता है। लेकिन वो एक बार गिर जाता है, और वो उठता है तो देखता है कि जिम की नज़र एक स्लीपिंग चैम्बर पर जाती है जिसमें एक लड़की लेटी हुई थी, इसका नाम अरोरा होता है। जब जिम जमीन पे था तो वो अरोरा को पसंद करता था, इसीलिए वो अब यहाँ पे अरोरा के वीडियोस देखकर दिन गुजारने लगता है। और जिम के दिमाग कहता है कि वो अरोरा को टाइम से पहले ही जगा देगा। जिम के दिमाग में काफ़ी उथल पुथल होने लगती है, लेकिन जिम निर्णय लेता है कि वो अरोरा को टाइम से पहले ही जगा देगा। जिम का बाल बढ़ गया था, इसीलिए वो शेविंग करता है। फिर अपना औजारों का बॉक्स लेकर अरोरा के चैम्बर तक पहुँच जाता है। फिर वो अपने औजार से अरोरा के चैम्बर में एक करंट देता है, जिससे उसका स्लीपिंग चैम्बर ख़राब हो जाता है और अरोरा जाग जाती है। लेकिन उससे पहले अरोरा जिम को देखे, जिम वहाँ से भाग जाता है और सभी औजारों को खुफिया जगह पर छुपा देता है। अरोरा उठती है और आगे बढ़ती है। फिर वो जिम से मिलती है और उससे पूछती है कि टीम के बाकी मेम्बर कहाँ है। जिम नहीं चाहता था कि वो अरोरा को सच बताए कि उसने उसका स्लीपिंग चैम्बर ख़राब किया था, इसीलिए वो बोलता है कि उन दोनों का स्लीपिंग चैम्बर समय से पहले ही ख़राब हो चुका है। फिर अरोरा डरने लगती है और डर कर उस जगह पे जाती है जहाँ सभी स्लीपिंग चैम्बर रखे हुए थे। फिर वो देख के हैरान हो जाती है। फिर अरोरा घबराने लगती है, तभी जिम उसको संभालता है। फिर जिम कहता है कि तुम अभी आराम करो, हम कल सुबह बात करेंगे। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि अरोरा मशीन से खाना लेती है, जहाँ उसे तरह तरह का खाना मिलता है। क्योंकि अरोरा गोल्ड क्लास की पैसेंजर थी, उसे पता चलता है कि जिम सालों से एक ही तरह का खाना खा रहा है। फिर अरोरा अपने आईडी से जिम के लिए गोल्ड क्लास का खाना देती है। फिर हम देखते हैं कि अरोरा कंट्रोल रूम का दरवाज़ा तोड़ रही है, लेकिन वो तोड़ नहीं पाती है। उसे लगता है कि अब वो भी उस शिप पर फंस चुकी है। फिर अरोरा सोचती है कि वो अपनी किताब लिखकर पूरी करेगी। फिर वो जिम से पूछती है कि यहाँ कुछ करने के लिए कुछ है। जिम कहता है कि यहाँ खेलने के लिए, डांस करने के लिए और बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं यहाँ पे। ये दोनों डांस चुनते हैं। फिर एआई सिस्टम इन दोनों को डांस सिखाती है, जहाँ ये दोनों बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत खुश थे। ये दोनों स्पेस का सफ़र भी करते हैं। अब ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। फिर दिखाया जाता है कि स्पेसशिप एक काफ़ी चमकदार तारे के पास से गुजरती है, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। उसके अंदर से चिंगारियाँ भी निकल रही थी। अगले दिन अरोरा, जिम और वो रोबोट अरोरा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जहां जिम अरोरा को अंगूठी देकर उसे प्रपोज करने वाला था। लेकिन बातों ही बातों में रोबोट के मुंह से निकल जाता है कि अरोरा को स्लीपिंग चैम्बर से जिम ने जगाया था, और ना कि तुम्हारे स्लीपिंग चैम्बर में खराबी हुई थी।
जानकर अरोरा दुखी हो जाती है और रोने लगती है क्योंकि उसने जिसपे ज़्यादा भरोसा किया उसी ने उसे धोखा दिया था। अरोरा जिम से इतना नाराज़ हो जाती है कि वो जिम से बात करना छोड़ देती है। अरोरा को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो एक दिन रात में जब जिम सोया हुआ था तो उसको मुक्कों से मारने लगती है और उसे जान से मारने वाली थी, लेकिन वो अपने को कंट्रोल कर लेती है। फिर अगले दिन जिम ये कबूल कर लेता है कि उसने उसे स्लीपिंग चैम्बर से जगाया था, लेकिन मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मैं यहाँ लगभग एक सालों से ऐसे ही पड़ा था, इसीलिए मेरा दिमाग ख़राब था, मैं पागल हो रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हें जगाया, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अरोरा उसकी एक बात भी नहीं सुनती है। फिर अगले दिन वो जब लिफ्ट में था तो लिफ्ट में ख़राबी आने की वजह से वो बंद हो जाती है। अब जिम वहाँ फंस जाता है, लेकिन वो किसी तरह करके लिफ्ट से बाहर आ जाता है। अरोरा भी खाना लेने जाती है तो मशीन से बहुत सारा खाना उसके ऊपर गिरने लगता है। वो दोनों देखने लगते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, फिर वो सोचने लगते हैं, तभी उनको एक इंसान की आवाज़ आती है। वो दोनों आगे जाते हैं देखने के लिए, तभी उन्हें पता चलता है कि इनके टीम का हेड भी स्लीपिंग चैम्बर से जाग चुका है। हेड को भी खराबी के बारे में पता चल चुका था, इसीलिए वो अपने आईडी से कंट्रोल रूम में चला जाता है और देखता है कि क्या क्या शिप में खराबी है, लेकिन उसे कुछ नहीं पता चलता है। फिर ये तीनों फैसला करते हैं कि स्पेसशिप में होने वाले खराबी को ये खुद ही चेक करेंगे। फिर ये आगे बढ़ते हैं तो एक रोबोट इनके ऊपर गिरता है और वो रोबोट नीचे गिरकर टूट जाता है। ये देखकर जिम कहता है कि ये 15वां रोबोट है जो खराब हुआ है। हेड अरोरा के स्लीपिंग चैम्बर में जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि इसे जिम ने खोला था, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बोलता है क्योंकि वो जानता था कि एक साल इस शिप पे अकेले रहना बहुत ही मुश्किल था। तभी अचानक से हेड की तबीयत खराब होने लगती है। फिर वो अपने रूम में आता है तो उसको पता चलता है कि उसके मुंह से खून आ रहा है। फिर एक रात लाइट चले जाने की वजह से स्पेसशिप की ग्रेविटी भी ख़त्म हो जाती है। ये तीनों हवा में उड़ने लगते हैं। अरोरा पुल में स्विमिंग कर रही थी, इसीलिए वो वाटर बबल में फंस कर मरने वाली थी, लेकिन तभी सिस्टम रिस्टार्ट हो जाता है और अरोरा की जान बच जाती है। वो बाहर आ जाती है और जिम भी नीचे आ जाता है। फिर ये तीनों अगले दिन स्पेसशिप में खराबियों के ढूंढने के लिए निकलते हैं, जहाँ इन्हें AI से पता चलता है कि सिस्टम में बहुत सारी खराबियाँ आई हैं। फिर ये पावर सप्लाई वाले एरिया में आते हैं जहाँ बिजली की पूरी स्टोरेज थी और वहाँ हेड बियोस हो जाता है। फिर उसके बॉडी को स्कैन किया जाता है तो पता चलता है कि उनके शरीर में 612 बीमारियाँ हैं, जिस वजह से धीरे धीरे उसके टिश्यूज ख़त्म हो रहे हैं और वो जल्दी ही मर जाएगा। पर ये बात जानकर हेड बहुत दुखी हो जाता है। फिर वो दोनों को पास बैठा के कहता है कि मेरे बाद तुम दोनों अपना ध्यान रखना और तुम दोनों एक दूसरे का साथ हमेशा निभाना, और ये कहकर वो अपनी आईडी भी दे देता है ताकि वो दोनों यहाँ पे रह के अपनी मन की कर सके और कहीं भी आ जा सके। और इसी के बाद उस हेड की मौत हो जाती है। फिर वो दोनों हेड के लाश को वहीं पे छोड़ के शिप की खराबी को देखने जाते हैं। फिर एक ऐसी खराबी आ जाती है कि वो दोनों हवा में उड़ने लगते हैं और रोबोट में भी ऐसी खराबी आ जाती है कि वो अपने आप को ही नुकसान पहुँचा रहा था। ये देखकर अरोरा जाती है और उसके सिस्टम को बंद कर देती है और इसके बाद वो दोनों सिस्टम में सभी खराबियों को देखकर बदलने लगते हैं। फिर इसके बाद वो पावर सप्लाई वाले रूम में आ जाते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं अंदर बहुत बड़ा सुराख था जिसकी ओर ये दोनों खींचे चले जाते हैं, पर ये खुद को कंट्रोल करके उस सुराख को बंद कर देते हैं। फिर ये खुद को संभालने के बाद देखते हैं कि शिप में उस जैसे छेद बहुत सारे हैं। फिर वो मेन पावर के सप्लाई के सिस्टम के पास आते हैं और उन्हें पता चलता है कि बिजली के सारे सिस्टम खराब होने लगे हैं। फिर वो सारे सिस्टम को बदलने लगते हैं, लेकिन खराबी की वजह से स्पेसशिप में हीट गर्मी इकट्ठा होने लगी थी। वो दोनों हीट गर्मी को निकालने के लिए लीवर खींचते हैं, लेकिन गेट नहीं खुलता है। जल्दी यहाँ से हीट को ना निकाला गया तो यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होगा। ये देखकर जिम जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो स्पेस सूट पहनकर स्पेसशिप के उस हिस्से में जाता है जहाँ से हीट को निकाला जाता है, लेकिन अब स्पेसशिप के अंदर का टेम्परेचर बहुत ही गर्म हो चुका था। जिम उस जगह पहुँच जाता है और लीवर को खींचता है तो गेट खुल जाता है, लेकिन वो जैसे ही लीवर को छोड़ता है गेट बंद हो जाता है। ये देखकर जिम समझ जाता है कि दरवाजे को खुला रखना है तो लीवर को पकड़े रहना होगा, लेकिन एक मसला था कि हीट जब बाहर जाएगी तो वो जिम को छूकर जाएगी, जिससे जिम पे भी बुरा असर पड़ेगा। लेकिन वो फिर भी रिस्क लेता है, फिर वो लीवर को खींच देता है जिससे दरवाज़ा खुल जाता है। फिर वो अरोरा को लीवर खींचने को कहता है, लेकिन अरोरा इस काम को करने के लिए मना कर देती है क्योंकि इसमें जिम की जान भी जा सकती है, लेकिन रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगता है इसीलिए वो ना चाहते हुए भी लीवर खींच देती है। लीवर खींचने से हीट निकलने लगता है और जिम को छूते हुए बाहर चला जाता है, लेकिन जिम का पैर फिसल जाता है जिससे वो बहुत तेज़ी से स्पेस में ढकेला चला जाता है, जिसकी वजह से उसके जिस्म में बने तार टूट जाते हैं और वो स्पेसशिप से दूर जाने लगता है। अब स्पेसशिप से सारी खराबियां दूर हो चुकी थी, लेकिन जिम वहाँ नहीं था, उसके सूट में छेद हो चुका था। अब अरोरा सूट पहनकर जिम को बचाने के लिए बाहर जाती है और अरोरा बहुत मुश्किलों से जिम को बचाकर वापस लाती है शिप पर। जिम का सूट भी जल चुका था और बाहर स्पेस में रहने की वजह से उसकी हालत भी बहुत ख़राब होती है। अरोरा ये देखकर काफ़ी उदास हो जाती है और उसे उठाकर मेडिकल मशीन में डाल देती है और उसे हुक्म देती है कि सारे फंक्शंस को एक साथ चालू करके जिम को बचा लो।
मशीन सारे ही फंक्शंस को जिम पे यूज़ करने लगती है, लेकिन जिम के बॉडी में कोई भी रिएक्ट नहीं होता है। लेकिन खुशकिस्मत से जिम वापस जिंदा हो जाता है। फिर जिम के तबीयत में सुधार होते ही वो दोनों स्पेसशिप को ठीक करते हैं और इज्जत के तौर पर हेड को कपड़े पहनाकर बैच लगाकर स्पेस में छोड़ देते हैं। अब जिम को एक चैम्बर मिलता है जो ठीक था, तो वो अरोरा को उसमें जाने को कहता है और कहता है कि तुम 90 साल बाद जाग जाओगी। तो अरोरा मना कर देती है और कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। फिर वो दोनों वहाँ पे कुछ समय बिताते हैं जहाँ जिम अरोरा को अंगूठी देता है, जिससे अरोरा बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। फिर हमें 90 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो स्पेसशिप उस प्लैनेट तक पहुँच जाती है। ऐसा ही होते ही सभी क्रू मेंबर्स जाग जाते हैं, पर वो क्रू मेंबर्स जब बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि पूरे स्पेसशिप में पेड़ पौधे ही पेड़ पौधे हैं जो जिम और अरोरा ने लगाए थे, और काफ़ी साल बीत जाने की वजह से वो दोनों बूढ़े होकर मारे गए। मगर उन्होंने काफ़ी सारे अच्छे काम भी किए, जिसमें से उन्होंने स्पेसशिप को भी ठीक किया, जिस वजह से वो स्पेसशिप वहाँ तक पहुँच पाई थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड होती है। तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी।